व्हाइट सॉस पास्ता तो आपने बहुत बार ट्राई किया होगा, लेकिन आज हम इस पास्ता को बनाएंगे कुछ घर के कुछ बेसिक मसाले से, जो है बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। बहुत ही आसान सिंपल इंग्रेडिएंट्स इसमें हमें ऐड करने हैं और बहुत ही सुपर अमेजिंग टेस्ट देता है। तो आप इसमें चीज़ भी ऐड कीजिएगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो देख लेते हैं आज की बहुत ही सिंपल एंड आसान सी रेसिपी। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, सो लेट्स कुक अप सम डिलीशियस अमेजिंग इंडियन स्टाइल व्हाइट सॉस पास्ता विद सम बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो बॉइलिंग वाटर में यहाँ पे आप ऐड कीजिए पास्ता। पास्ता जो है वो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या बढ़ती क्वांटिटी अपने हिसाब से आप बैलेंस कर ले। साथ ही साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद हम ऐड करेंगे जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल। देखिए ऑयल हम यहाँ पे इसलिए ऐड करते हैं जिससे जो हमारा पास्ता है वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, स्टिक ना हो, इसलिए हम यहाँ पे ऑयल यूज़ करते हैं। सो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे तरीके से ये बॉइल्ड हो चुका है और आप इसको तोड़ के भी देख सकते हैं चेक करने के लिए। सो जस्ट कीप असाइड एंड स्ट्रेन इट आउट। आगे का प्रोसेस देख रहे हैं। आगे कढ़ाई लीजिए बड़ी, उसमें हम ऐड कीजिए बटर। बटर के साथ यहाँ पे ऐड कीजिए 2 tablespoon ऑफ मैदा। मैदा को आपको तब तक स्टर करना है जब तक एक हल्का सा इसका जो कच्चापन होता है मैदा का वो चला नहीं जाता। मेक श्योर आपको ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है, इसका कलर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये तो अच्छे तरीके से यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे मिल्क। मेक श्योर मिल्क डालते ही आपको कंटिन्यूसली जो है वो अपना स्पैचुला को रोकना नहीं है, कंटिन्यूसली आपको स्टर करना है। ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी लम्स नहीं बढ़ने चाहिए आपकी इस सॉस में। तो बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे आपको इस सॉस को स्टर करना है, लो फ्लेम पे। उसके बाद यहाँ पे अच्छे तरीके से हो चुका है। कुछ मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। 1.5 teaspoon में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स, साथ ही साथ 1.5 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर एंड 1.5 teaspoon में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ऑरिगैनो। ऑरिगैनो अगर आप लोगों के पास नहीं हो तो आप यहाँ पे मिक्स्ड हर्ब्स भी ऐड कर सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से आपको मिक्स करना है। अभी हमने सॉल्ट इसमें ऐड नहीं किया है, बाद में ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से लो मीडियम फ्लेम पर मिक्स कर दीजिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर दिया है, वो भी 1.5 teaspoon। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर पेरी पेरी मसाला भी ऐड किया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। ये आप पर डिपेंड है, बिल्कुल ऑप्शनल ले पेरी पेरी मसाला डालना। सॉस बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, व्हाइट सॉस पास्ता की सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। ज़्यादा आपको इसको ओवर मिक्स नहीं करना है, ना ही ओवर कुक करना है। साइड पे रखते हैं इसको, आगे का प्रोसेस देखते हैं। आगे एक पैन में आप इसमें ऐड कीजिए बटर। बटर के साथ साथ कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल की भी यहाँ पे ऐड कीजिए। और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे कुछ बारीक कटा हुआ गार्लिक, और गार्लिक को लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से आपको स्टर कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कुछ बारीक कटी हुई प्याज। एक बड़ी प्याज है, उसको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसको भी आप इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए। सारा फ्लेवर बटर का और गार्लिक का अच्छे से मिक्सअप हो जाना चाहिए इस अनियन के साथ। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे देखिए कुछ बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। अगर आप चाहो तो आप ग्रीन वाली और येलो वाली भी बेल पेपर का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे ब्रोकली, मैंने यहाँ पे लिया। जो आपको पसंद हो सब्जी आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ मैंने यहाँ पे टमाटर डाला। अच्छे तरीके से अब हम सारी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। देखिए अगर आप लोगों को लगे तो आप इसमें मशरूम का भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे कॉर्न भी ऐड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। सब चीज़ें अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स हो चुकी हैं। अब देखिए ये हैं मेन मसाले, घर के मसाले हमारे। 1.5 teaspoon धनिया पाउडर, 1.5 teaspoon ऑफ जीरा पाउडर, 1.5 teaspoon ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, 1.5 teaspoon ऑफ रेड चिली पाउडर। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 tablespoon ऑफ टोमेटो केचप, 1 tablespoon ऑफ मेयोनीज। ये सब चीज़ें डाल के अच्छे से क्विक स्टर दीजिए सबको। और इस पॉइंट पे आपको जो है वो फ्लेम हाई कर देनी है, हाई फ्लेम पे फटाफट आपको सब चीज़ें सौते कर लेनी है। ज़्यादा ओवर मिक्स मत कीजिएगा, हल्का सा क्रंच रहना चाहिए सारी वेजिटेबल्स में। सब चीज़ अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स हो चुकी हैं। उसके बाद देखिए जो हमने सॉस बना कर रेडी करी है वो हम इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे और सबको अच्छे से एक बार और कर देंगे मिक्स। तो आपने देखा कितना आसान है इसको बनाना, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसे बना रहे हैं। उसके बाद इसको और चीज़ी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे चीज़। चीज़ डालते ही हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ये बॉइल्ड हुई हुई हमारी पास्ता, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और इस पॉइंट का आपको याद रखना है, आपको बिल्कुल भी ओवर मिक्स नहीं करना है इन सब चीज़ों को। अगर आप ओवर मिक्स करोगे तो ये टूट जाएगी। तो बहुत ही सॉफ्ट हैंड से बस एक क्विक स्टर आपको देना है और ये बन के जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है व्हाइट सॉस पास्ता। ऊपर से हम कुछ बारीक कटा हुआ यहाँ पे फ्रेश हरा धनिया ऐड कर देंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये तो बन के रेडी हो चुका।
सो आपने देखा कितना आसान था इसको बनाना। व्हाइट सॉस पास्ता इंडियन स्टाइल हमारा रेडी हो चुका है। ज़रूर इस बेसिक सी रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा और देखिए चीज़ हमने डाली है इसमें तो कितनी ज़्यादा क्रीमीनेस और एक टेक्सचर जो है वो इसका और ज़्यादा क्रीमी हो गया है। तो देखिए चीज़ डालने से बच्चे बहुत ज़्यादा एक एक्साइटेड हो जाते हैं चीज़ का नाम सुनते हैं, तो आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा चीज़। तो अगर आप लोग को आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस। अगर आप लोग को आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा इस आसान सी सिंपल सी रेसिपी को।